morning. Good morning, sir. Krishna, namaste. How are you all? चलो आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा बर्ताव, यानी कि हमारा व्यवहार। हमारा घर पे कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमें घर पे किस तरह से रहना चाहिए। हम बार बार, दो तीन हफ्ते में एक बार मिलते हैं, उसमें क्या बात करते हैं, हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए। अब कहीं भी कुछ गलती करोगे तो आपके बड़े लोग बोलते होंगे कि तुझे ये सिखाया है स्कूल में, तुझे ऐसे से बात करने नहीं आती, तू छोटे भाई से ऐसे बात करता है ना। तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब हम पढ़ने आ रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा वर्तन कैसा होना चाहिए उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा। पहले हर मम्मी की शिकायत रहती है वो है खाना। क्या है खाना? खाना यानी कि हम सबको खाना नहीं है। हम सबको क्या खाना है, क्या खाना है, आप सबको क्या पसंद है, आप सबको है रोटी सब्जी, किसी को पसंद है, किसको पसंद है? अरे वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो रोटी और सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, और हर किसी की मम्मी पापा यही शिकायत करते हैं कि मेरा बच्चा खाना खाने में अच्छा नहीं है। तो हमको ये बात याद रखनी है, किसी को अपने शरीर को बीमार करना है, है? डॉक्टर के पास जाना है, सुई लगवानी है, दवा पीनी है, तो जो ऐसा नहीं करना है और आपको ये सब अच्छा नहीं लगता तो क्या करना होगा, अच्छे से खाना खाना होगा। फिर क्या करना होगा, दूध पीना होगा, और मम्मी जो हरी सब्जी बनाए उसे भी प्यार से खाना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि बाहर का बाजारों का खोरा खाना खाए, लेकिन हम क्या करते हैं, पूरा दिन वही खाते रहते हैं, तो वो खाना सेहत के लिए अच्छा होता है या हानिकारक होता है? हानिकारक होता है। तो पहला हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें सब्जी और रोटी खानी है। चलो ये बात सबको क्लियर है? अब किसी की फरियाद आएगी है? किसी की फरियाद आएगी? वेरी गुड। अब दूसरी बात, हमारा बर्ताव। बर्ताव में क्या दूसरा ध्यान रखना है, हमारे घर में हमारे मम्मी पापा है, सबके मम्मी पापा है कि नहीं है, बाप दादा है, अंकल चाची हो गए हैं, ये सब हमारे घर के बड़े जो बुजुर्ग हैं, फिर वो हमारा बड़ा भाई ही क्यों ना हो, छोटी बहन भी क्यों ना हो, उससे हमें प्यार से बर्ताव करना है। कैसा बर्ताव करना है? प्यार से बर्ताव करना है। किसी को भी मारना नहीं है, किसी को भी हमको ऐसे जीत नहीं करने के वो परेशान हो जाए। समझ में आया मेरा बात? हमारे छोटे भाई से कैसा बर्ताव करना है? प्यार से। हमारी छोटी बहन से कैसा बर्ताव करना है? प्यार से। उसको कोई खिलौना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, उसको कोई खिलौना के लिए जिद करे हमारा छोटा भाई या छोटी बहन तो हमें क्या करना चाहिए, उसको देना चाहिए। वेरी गुड। और दूसरा, अगर कोई छोटा काम हमारी मम्मी या हमारे पापा या हमारा कोई भी बुजुर्ग हमें कोई छोटा काम कहे कि ये कर दो, तो हमें उसको काम अच्छे से करना चाहिए। वो मैं नहीं करूंगा, वो आप खुद कर लो। अगर आपकी मम्मी बोले कि बेटा जरा पानी ले आना, तो हम क्या करते हैं, टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल में गुमसुम होता है, और मम्मी की क्या बात है वो हम सुनते ही नहीं है। तो ये कैसा कैसा व्यवहार हुआ? बुरा बर्ताव हुआ। क्या हुआ? बुरा। ये बैड हैबिट है। ये क्या है? बैड हैबिट। अगर हमारा बड़ा, वो चाहे पापा हो, मम्मी हो, या बड़ा भाई हो, या बड़ी बहन हो,
कोई छोटा हमारे जैसा काम कहे तो हमें उसे तुरंत कर देना चाहिए। मम्मी बोले बेटा पानी लेके आता हूँ, तो चलो मम्मी अभी लेके आता हूँ, देना चाहिए। कुछ घर में छोटे छोटे काम में हमें उसे मदद करनी चाहिए। और सबसे तीसरा और सबसे बड़ा और खतरनाक मोबाइल, मोबाइल हमारा सबसे कोई बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है मोबाइल। लेकिन आप बोलोगे सर मोबाइल में तो सब अच्छा अच्छा आता है, हमें देखना अच्छा लगता है, हम कैसे ना खेलें। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि मोबाइल आपको खेलना ही है, क्या करना है, खेलना तो है। अगर मैं आपके जैसा छोटा होता और मेरे समय में ऐसा मोबाइल आ गया होता तो मैं भी खेलता। लेकिन लेकिन हमें क्या करना है, पूरा दिन मोबाइल में रहना है, पूरा दिन मोबाइल में रहना चाहिए। आप हर जब हमारे यहाँ पर आपके पेरेंट्स को बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं, तो दूसरी सबसे बड़ी शिकायत होती है मोबाइल, कि मेरा बच्चा पूरा दिन मोबाइल देखता रहता है, खाने खाते समय भी फोन ही देखता रहता है, लेसन को कहो तो भी वो फोन ही देखता रहता है, गेम भी देखता रहता है। तो ये देखो ये बड़ा रोग हो गया ना हमारे लिए, ये क्या हो गया, ये बीमारी है, ये मानसिक रोग हो गया। हमें इतना सारा मोबाइल देखना चाहिए ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फोन नहीं देखना, फोन देखना ही है। आपके मम्मी पापा बोले तो भी कहना कि मेरा सर ने बोला है फोन खेलना ही है। लेकिन उनका कुछ समय हमको तय करना पड़ेगा कि एक घंटा, आधा घंटा। अब हम छः छः सात सात घंटे फोन के पीछे रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। हमें ऐसा करना है, पागल होना है आप किसी को अच्छा बनना है, कैसा बनना है अच्छा। तो सबसे बड़ा काम जो मैं आपको दे रहा हूँ ये दे रहा हूँ कि फोन से बने इतना नाता हमको कम करना होगा। बराबर है, सब मुझे प्रॉमिस दे रहे हो, चलो खड़े हो जाओ आपकी जगह पर, ऐसे हाथ कर दो, मुझे प्रॉमिस देना है आप सबको। और फिर आप मुझे प्रॉमिस दोगे उसके बाद मैं आपके घर पे फोन करूंगा, आपके घर पे आऊंगा, आपके मम्मी पापा चाचा चाची को पूछूंगा कि आपके बच्चे ने मुझे प्रॉमिस दिया था कि ये चीज वो नहीं करेंगे, अब वो कर रहे हैं। और आपके मम्मी पापा बोलेंगे कि हाँ, तो फिर ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि आपने मुझे प्रॉमिस दिया है कि हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। बराबर, चलो पहले मैं बोलूं उसके बाद आपको बोल रहा है। मैं सब्जी रोटी खाऊंगा, सब्जी रोटी खाऊंगा, मैं मोबाइल कम देखूंगा, मोबाइल कम देखूंगा। मैं मेरे छोटे से अच्छा बर्ताव करूंगा, चलो ये प्रॉमिस हो गया। थैंक यू सर। चलो बैठ जाओ सब अपनी जगह पे। अब यही बात मैं अब आपको